वेलकम बैक टू माई चैनल। आज का वीडियो है अनदर पार्ट फॉर द सीरीज हाउ आई टेक माई इंस्टाग्राम पिक्चर्स एट होम बाय माई सेल्फ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर लविंग माई फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट ऑफ दिस सीरीज, इट रियली मीन्स अ लॉट। सो आज के पार्ट फोर में मैं आपके साथ पिक्चर्स आइडिया शेयर करूंगी विदाउट यूजिंग एनी ट्राइपॉड। सो नाउ आई एम गेटिंग सो मेनी रिक्वेस्ट फ्रॉम यू गाइज कि प्लीज आप ऐसा वीडियो बनाओ जहाँ पे ट्राइपॉड का यूज ना हो, बिकॉज सबके पास ट्राइपॉड नहीं होते हैं। सो इन दिस वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी सम पिक्चर्स आइडिया एंड आई विल ऑल्सो शो यू गाइज कि आपको ट्राइपॉड की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, आप अच्छे पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते विदाउट यूजिंग एनी ट्राइपॉड। ऑल्सो मैं ट्राई करूंगी कि मैं सारे पिक्चर्स पुराने वाले रिक्रिएट करूँ जहाँ पे मैं ट्राइपॉड का यूज ना करूँ, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि आप वो सारे पिक्चर्स बिना ट्राइपॉड के भी रिक्रिएट कर सकते हो। सो बिफोर वी स्टार्ट, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इन फर्स्ट पिक्चर आइडिया हम ट्राइपॉड की जगह ये स्मॉल येलो बास्केट यूज कर रहे हैं। सो बेसिकली इट्स नॉट अबाउट कि आप कौन से ऑब्जेक्ट पे अपना मोबाइल टिका रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट द एंगल। नाउ दिस बास्केट इज़ वेरी यूजफुल जब आपको पिक्चर्स लेने हैं विद द स्काई। आप देख सकते हैं कि मैंने अपने मोबाइल को इस बास्केट में कैसे टिकाया है, सो दैट जो बैकग्राउंड है वो पूरा स्काई आए। नेक्स्ट स्टेप है कि आप अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें एंड गिव योर बेस्ट पोज। नाउ जो आपने वीडियो रिकॉर्डिंग की है उसमें आप अपना परफेक्ट शॉट चेक कीजिए। ऑल्सो मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि जब आप अपना परफेक्ट शॉट चेक करते हैं तो मेक श्योर कि आप अपनी वीडियो को पॉज कर दें, उससे आप इजीली अपना परफेक्ट शॉट चेक कर सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट स्टेप है स्क्रीनशॉट लेने की, वो भी आप इजीली ले सकते हैं। नाउ जब आपको परफेक्ट शॉट मिल जाए देन टेक अ स्क्रीनशॉट, क्रॉप योर पिक्चर एंड सेव इट, एंड दैट्स हाउ यू गेट योर परफेक्ट पिक्चर विद द स्काई। सो इन नेक्स्ट पिक्चर आइडिया मैं ट्राइपॉड की जगह अपने मोबाइल को यहाँ पे टिकाऊंगी। सो मैंने अपने फ़ोन को यहाँ पे इस टाइप से रखा है, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप पोजीशन का ध्यान रखें एंड ऑल्सो आपके फ़ोन का भी। सो फॉर दिस पिक्चर मैंने अगेन रिकॉर्डिंग की है एंड मैंने अपने फ्लावर्स को इस पोजीशन में रखा है एंड देन आई एम गिविंग दिस टर्निंग पोजेस। ऑल्सो आई एम फ्लिपिंग माई हेयर सो दैट आई कैन कैप्चर इट। Now another tip is that never forget to edit your picture. For example, this is a picture that I got and मैंने इसे edit नहीं किया है and then मैंने इसको edit किया है and it looked like this. So definitely आप difference देख सकते हो, so please make sure कि आप अपनी pictures हमेशा edit करें। सो नेक्स्ट पिक्चर के लिए दिस इज़ माई सेटअप एंड यहाँ पे मैं वाला पिक्चर क्लिक करने वाली हूँ जो एक्चुअली में बहुत ट्रेंडिंग है इंटरनेट पे, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था। सो आई जस्ट वांट टू शो यू गाइस दैट कि आप वो पिक्चर विदाउट ट्राइपॉड भी ले सकते हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली द फाइनल सेटअप टू क्लिक दैट पर्टिकुलर पिक्चर। सो फॉर दैट पर्टिकुलर पिक्चर आपको एंड मोबाइल को दुपट्टे के अंदर रहना है एंड गिव एनी पोजेज यू वॉन्ट टू गिव टू गेट दैट परफेक्ट शॉट। नाउ यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना है कि जो आपका मोबाइल है वो किसी सपोर्ट में नहीं है, सो जो आपने दुपट्टा उसके ऊपर रखा है उस कारण आपका मोबाइल लाइक उसके गिरने के चांसेस रहेंगे। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने मोबाइल को पकड़ के पोजेस दें या फिर केयरफुल रहें, और मे बी यू कैन यूज़ टाइमर एंड जस्ट मेक श्योर कि आप अपने दुपट्टे को ज़्यादा हिलाएं नहीं, अदरवाइज आपको मोबाइल के गिरने के चांसेस रहेंगे। सो या बट मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको आपको परफेक्ट शॉट डेफिनेटली मिलेगा। सो इन नेक्स्ट पिक्चर आइडिया आई एम यूजिंग दिस थिंग जो मुझे नहीं पता है इसे क्या बोलते हैं, बट आई एम यूजिंग इट एज अ ट्राइपॉड एंड मैं इसके ऊपर अपना मोबाइल टिकाऊंगी। सो एज आई ऑलरेडी मैंशन दैट एंगल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल यूजली हम अपना फ़ोन इस टाइप से रखते हैं, बट दिस इज़ रॉन्ग, वी आपको आपका फ़ोन इस एंगल पर नहीं रखना है, अदरवाइज आपके पिक्चर्स ऐसे आएंगे। सो आप अपने फ़ोन को इस टाइप से रखिए जैसे मैंने रखा है। सो इस पिक्चर के लिए मैंने अपने कैमरे को 3 सेकेंड के टाइमर पर रखा है एंड आई एम थ्रोइंग माई हेयर्स लाइक दिस सो दैट मेरे उड़ते हुए बाल कैप्चर हो जाएं एंड आई गेट माई परफेक्ट शॉट।
So when we don't have any tripod, it's difficult to capture that full outfit look kind of a picture. So for that picture, मैं use करूँगी table के stand को and उसे टिका के मैं अपना phone रखूँगी. Now please make sure जो आपका angle है वो perfect angle हो so that आपका जो full outfit है वो capture हो जाए. And that's it. Give your best pose and you will get your perfect picture. So next picture idea without tripod, I'm using this thing. I don't know what we call this. Anyway, so again with the help of this, we can actually click picture with the sky. As you can see, with the help of this, we are getting that sky wala background. But here to get that perfect shot, I use my mobile timer. So basically the tip is that जब आप timer से picture click करते हैं and जो आपको चीज़ capture करनी है उसको आप show करें जब आपकी screen पे 1 second show हो and that's how you will get your perfect shot. So for next picture मैं कुछ भी use नहीं कर रही हूँ, मैंने सिर्फ अपने phone को इस angle पे रखा है. And then I will take a picture like I'm walking through my camera and I use this flower so that I can get beautiful picture. So the last picture idea, and for that I'm using this particular object and yahan pe main apna phone tikaungi and I guess ye wala jo object hai wo mostly sabke terrace pe hota hai. और ना भी हो इट्स नॉट एन इशू. द थिंग इज़ दैट कि आप बिना ट्राइपॉड के भी बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स ले सकते हो. जस्ट मेक श्योर कि आपके मोबाइल का पोजीशन, उसका एंगल परफेक्ट हो एंड गिव एनी पोजेज यू लाइक टू गिव. इट्स अप टू यू, आपको रैंडम पिक्चर कैप्चर करना है या फिर फ्लिप दैट हेयर काइंड ऑफ ए पिक्चर कैप्चर करना है या फिर आप प्रॉप का भी यूज़ कर सकते हो. एंड दैट्स इट, यू विल गेट योर परफेक्ट पिक्चर फॉर श्योर.